कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के मुठानी के पास पानी भरे गड्ढे में डूबा हुआ एक शव मिला, जिसकी पहचान गया के रहने वाले आरिफ कुमार के रूप में हुई, जो मोहनिया थाना क्षेत्र के मुठानी स्थित मैक्सो कंपनी में रहकर पेंटिंग का काम करता था। आरिफ पिछले 9 दिनों से लापता था। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेजा। सिटी न्यूज कैमूर से रामजी गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर सर, एक आया हुआ है सर, क्या मामला है सर? सूचना में ज्यादा पानी डूबा हुआ है। अच्छा, किस जगह पर सर डूबा हुआ है? थाने पर जो है कट्ठे जाने वाले रहता है, अगर भेजना उसको 5 लीटर गड्ढा पाने तो ज्ञात है। अज्ञात क्या ज्ञात है? कहाँ के रहने वाले हैं? ज्ञात है। कुछ शरीर पर नहीं, उनको परिजन आए हुए हैं, परिजन से पहचान। शरीर पर जख्म वगैरह के निशान भी हैं? नहीं, जख्म कभी ऐसे पानी में डूबा हुआ जा रहा है। प्रथम दृष्टया देखने से क्या लगता है सर? प्रथम दृष्टया तो उनका डॉक्टर नहीं बता सकते हैं क्या है क्या नहीं। चोट तो लगा है सर, ब्लड आ रहा है। ठीक, रात 4:30 बजे से ये गायब हुआ सर। अच्छा, मोहम्मद आरिफ। अच्छा, और जो मुंशी यहाँ था सर, बबलू सिंह, वो हमारे कल फोन करके मेरे नंबर पे बोल रहे हैं कि आपका भगना यहाँ बॉडी पड़ा हुआ है पानी में। अच्छा, समझे। फिर हम लोग आना कौन सी जगह पे? ये मुठानी स्टेशन है ना सर। अच्छा, उससे पीछे थोड़ा क्रॉसिंग है ना, रेलवे क्रॉसिंग, उसी जगह पे। कंपनी का मालिक का नाम? मेस्को कंपनी नाम है सर, प्रदीप बाबू। अच्छा, वही फोन किए थे आपको? उनका मुंशी फोन किए थे सर, उसका बबलू सिंह नाम है सर। अच्छा, तो वही फोन किए थे आपको? जी सर। इससे पहले आप सूचित किए थे किसी को थाने में? हम लोग उसको बोले तो बोले कि थाना में काहे के लिए बोलिएगा, जो मामला बढ़ जाएगा। तो हम लोग को डरा दी सर, तो हम लोग नहीं थाना में बोले सर। फिर हर जगह फोटो छपवाएं सर। तो आज पता चला है? हाँ, आज पता चला सर, हम लाहास को निकाले सर। तो अभी थाने पे आप लोग लेकर आए हैं? जी सर। पुलिस गई थी? हाँ, गई थी सर। तो अभी आपका? मोहम्मद इरफान। हम मोहनिया थाना पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं, और एक लड़का की गुम शुदा होने की खबर मिली। तो ये आज गार्जियन से हमारी भेंट हुई, तो इन लोगों ने कहा कि 9 दिन पहले से हम बच्चे को खोज रहे हैं, जो यहाँ मैस्को कंपनी में प्रदीप कुमार के अंडर में वर्क करता था, पेंटिंग का, जो वहाँ पे है रेलवे क्रॉसिंग के पास। अच्छा, तो क्योंकि वहाँ पे इन लोग आए, इन लोग खोजबीन किए पूरा कि लापता हो सकता है, किसी रिश्तेदार क्या क्या होगा, तो सारी जगह खोजने के बाद पता नहीं चला। लेकिन कल इनका मुंशी जो मैक्सो कंपनी का मुंशी जो हुआ ना, बबलू सिंह, वो 9 बजे इन लोग को सुबह मॉर्निंग में फ़ोन किया कि आपका नाती वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग के नीचे लास्ट है पानी के अंदर। तो फिर आज इन लोग हमारे से कॉन्टेक्ट करके और हम लोग साथ में आए, तो हम लोग पहले स्पॉट पर गए, तो वहाँ देखा गया तो पता चला कि लास्ट है। तो क्या लगता है मैम इसमें कि साजिश है? किसकी साजिश? साजिश तो जैसे कि इन लोग जैसे जिस कंपनी में काम करता था, जिस टेंडर में काम करता था, तो उनको अगर लापता था तो खबर घर में करना चाहिए था, और ठीक है नहीं खबर किए। तो जब इन लोग आए थाने में आने के लिए, तो इन लोग को डराया कि हमें क्या मतलब, इन लोगों को थाने नहीं आने नहीं है जाना है, आप लोग पर केस हो जाए। ऐसा बोला गया? हाँ, कि आप लोग मत जाइए, फंस जाइए। तो ये लोग चुप रहे, हमसे भी नहीं बोले, कोई कानून का सहारा इन लोग नहीं लिया, ये लोग आपस में खोजते रहे। जब लास्ट में इन लोग को कुछ नहीं मिला, तब ये मेरे पास आए, तो हम एडवोकेट हैं, गया में प्रैक्टिस करते हैं, निखट परवीन नाम है मेरा। तो हम बोले ठीक है चलिए थाने में चलिए, आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, आप लोगों की क्या गलती है इसमें, चलिए हम लोग थाने आके मदद लिए थाने से। इस पूरे मामले को आप किस ध्येय से देखती हैं, साजिश या हत्या? साजिश के तहत हत्या है। क्या कि आप डराइएगा क्यों, आप तो खुद भेजिएगा, मदद कीजिएगा हमको आके थाने में आकर। और आज मोबाइल भी ऑफ है उनका, दिन भर हम लोग खबर किए कि हम लोग आ रहे हैं, तो मोबाइल स्विच ऑफ किए। ठीक, क्यों?